हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। तो भाई, ड्राफ्टिंग कमेटी कब फॉर्म्ड हुई थी? 29 अगस्त 1947 को। द ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज इंश्योर्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने एक कमेटी को इलेक्ट किया और उस कमेटी को नाम क्या दिया? ड्राफ्टिंग कमेटी। और इस कमेटी के प्रेसिडेंट या चेयरमैन कौन बने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि टोटल 22 कमिटीज बनाई गई थी डिफरेंट वर्कलोड को हैंडल करने के लिए, जिसमें से कि 9 मेजर्स थी, बाकी माइनर्स थी। अब उन कमिटीज ने अपना एक एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया और ड्राफ्टिंग कमेटी का यहाँ पे काम किया था कि वो ड्राफ्ट को इकट्ठा करें, उन पर डिस्कशन कराएं, डिबेट कराएं और फिर उसको असेंबली में प्रेजेंट कराएं। द ड्राफ्टिंग कमेटी हैड 7 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन। चेयरमैन को इंक्लूड करके कितने वो मेंबर्स थे? टोटल 7 मेंबर्स थे। अब हम एक एक करके सारे मेंबर्स को जानेंगे। पहले मेंबर थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये चेयरमैन थे। दूसरे थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे थे के एम मुंशी। पाँचवें थे मोहम्मद सैदुल्ला। 6 नंबर पर आते हैं माधव राव। ये किसे रिप्लेस करके बने थे? बी एल मित्र को। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि बी एल मित्र को रिप्लेस करके कौन बना था या फिर माधव राव किसको रिप्लेस करके बने थे। अगले हैं टी टी कृष्णमाचारी, ये किसको रिप्लेस करके बने थे? डी पी खेतान को। अब हम कुछ और पॉइंट्स जानेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में। तो ये हमारे इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर थे और इनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और इनका एक और नाम है मॉडर्न मनु। ये सब आपको याद रखना है जनरल नॉलेज के लिए। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।